Hello, students. I'm Dr. Amita Joshi. This lecture is for BSc second year mathematics students. I will teach you the first paper of the subject, abstract algebra. This paper is based on definitions and theorems. Now, I will start the uh, first unit, group. First, we will see the, uh, some commonly used symbols, like capital N represents the set of natural numbers. कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ होल नंबर्स जेड और कैपिटल आई ये सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करता है जेड प्लस दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स जेड माइनस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्यू रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्यू माइनस नगेटिव रैशनल नंबर्स आर रेप्रजेंट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर माइनस पॉजिटिव रियल नंबर्स को बताता है और आर माइनस जो है वो नेगेटिव रियल नंबर्स को बताता है सिम्बॉल्स हमारे पास और भी होंगे लेकिन अभी हमें जो प्रेजेंटली यूज में आ रहे हैं हमने वही लिखे हुए हैं नाउ ग्रुप के डेफिनेशन यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिट है हमारी ग्रुप उसे स्टार्ट करने के पहले आपको दो डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है फर्स्ट इज बाइनरी ऑपरेशन एंड सेकेंड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेशन दैट मीन सिम्बॉल्स लाइक एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन यूनियन इंटरसैक्शन ये जो सिम्बॉल्स होते हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एंड सेकेंड डेफिनेशन जो है वो हमारी है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की एलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहली चीज़ कि हमने यहाँ एक नॉन एम टी सेट लिया हुआ है कैपिटल जी और नॉन एम टी दैट मीन्स जो खाली नहीं है और सेट का क्या मतलब होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेट मीन्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ नॉन सेट जी इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस जब भी हम किसी नॉन एम्प्टी सेट जी को एक या उससे ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है और वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है ब्रैकेट uh, में एन कॉमा प्लस दैट मीन्स एन रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वैसे ही यहाँ पर आई कॉमा प्लस दैट मीन्स आई रेप्रजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हर आई कॉमा यहां सब्ट्रैक्शन का साइन है दैट मीन्स आई रेप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स विद बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन यहां पर लास्ट वाले में देखिए यहां मैंने दो ऑपरेशन लिए हैं बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में कहा है कि हम एक या उससे ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं तो यहां आर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सिम्बॉल्स जो हैं वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के होंगे और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब भी कोई नॉन एम्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ आ जाता है कंबाइन हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं नाउ नेक्स्ट आई कम टू द मेन टॉपिक ग्रुप इस डेफिनेशन में आप देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले रखा है जी कॉमा स्टार यहाँ जो स्ट्रक्चर है जी इज़ अ नॉन एम सेट तो इस नॉन एम सेट की जगह हम कोई दूसरा सेट भी ले सकते हैं लाइक like इंटीजर्स uh, और रियल नंबर्स और इंटीजर्स और सेकेंड जो हमने यहाँ स्टार लगा रहा है विथ तो यहाँ लिखा है नॉन एमटी सेट जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार तो इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह भी हम दूसरे सिम्बल्स ले सकते हैं लाइक मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज़ कॉल्ड अ ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब फॉर्म करता है जब वो फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर हमने जो G3 और G4 लिखा है इनके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा पहले निकालना होगा क्योंकि जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे तो आप जब भी यहाँ पर कहेंगे तो पहले आइडेंटिटी फाइंड करेंगे देन इनवर्स फाइंड करेंगे ना अब ये जो चारों कंडीशंस है प्रॉपर्टीज़ हैं इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के पहले ये ध्यान रखेगा कि आपके पास जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कॉमा स्टार तो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ में हम जितने भी इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे वो सारे एलिमेंट्स जी के होने चाहिए और उन सारे एलिमेंट्स में हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाएंगे वो सिर्फ स्टार हो सकता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी क्लोज़र प्रॉपर्टी कैसे कि यहाँ पर इफ एन इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी यहाँ पर हमने कैपिटल जी मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास जो नॉन एम टी सेट जी है हमारे प हमें सारे एलिमेंट्स उसी से लेने तो यहाँ हमने ए एलिमेंट भी जी का लिया है बी एलिमेंट भी जी का लिया है और इन दोनों एलिमेंट्स में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं दैट मीन्स ए स्टार बी तो जब हम दो एलिमेंट्स में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई तीसरा रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट भी हमेशा बिलोंग करना चाहिए जी में तो क्लोज़र प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी तो यहाँ पर अभी तक आपने फॉर ऑल वाला सिम्बॉल फॉर ऑल मतलब जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब वो सभी क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी असोसिएटिव प्रॉपर्टी असोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें तीन एलिमेंट्स की जरूरत होती है ए बी एंड सी हियर ए बी सी यहाँ तीनों एलिमेंट्स भी किसके लेने हैं हमें जी के ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी देन इन तीनों एलिमेंट्स में जब मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने ए स्टार बी स्टार सी मैंने लेफ्ट में भी लिखा है ए स्टार बी स्टार सी मैंने राइट right में भी लिखा है बट असोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जब आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें यहाँ पर ब्रैकेट बी और सी के साथ हैं राइट right साइड में ब्रैकेट ए और बी के साथ हैं तो अगर हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज भी कर दे तब भी हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है तो यहां पर अगर मैं लेफ्ट साइड को सोल्व करूंगी तो कैसे करूंगी पहले मैं बी स्टार सी को सोल्व करूंगी उसका जो आंसर आएगा उसको कंबाइन करूंगी ए के साथ तो मेरा एक फाइनल रिजल्ट लेफ्ट का आएगा वैसे ही राइट right में हम जब करेंगे तो हम ब्रैकेट ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे और उसके रिजल्ट को फिर हम कंबाइन करेंगे सी के साथ और वो राइट हैंड साइड होगी तो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है अगर हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दे तब भी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी किसके लिए सारे जी के सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सबसे पहली चीज़ तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हमारा हमारे पास अभी नॉन सेट कैपिटल जी है उस कैपिटल जी में हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो जी के बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन भी हो जाए तब भी उन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा कि ए एलिमेंट जी का है और ई e ऐसा एलिमेंट है कि ई स्टार ए इक्वल टू ए दैट मींस ए में कोई चेंज क्यों नहीं आया वो ई e के साथ कंबाइन है फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं है वैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बी इज द एलिमेंट ऑफ जी एंड ई स्टार बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी ई स्टार सी इक्वल टू सी तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ई e जो है वो ए के साथ कंबाइन है तब भी ए है ई e है अगर बी के साथ कंबाइन है तब भी बी है ई e अगर सी के साथ कंबाइन है तब भी वो सी है इसका मतलब ई e के कारण इन एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब ई e जो है वो क्या होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए तो यहाँ हमने लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई स्टार ए इक्वल टू ए या फिर ए स्टार ई इज ऑल्सो इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इफ ए स्टार ई इक्वल टू ए तो यहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि राइट साइड में है तो इसे हम कहेंगे राइट right आइडेंटिटी और वैसे ही यहाँ ई स्टार ए इक्वल टू ए है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इसे कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इनवर्स इन जी मतलब जी में जितने एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स भी जी में होना जरूरी है तो उसके लिए हमने क्या कहा कि वो हम इनवर्स कैसे निकालते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं एंड बी वो दोनों एलिमेंट्स किसमें बिलोंग करने चाहिए जी में और उन दोनों में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट दैट मीन्स बी स्टार ए इक्वल टू ई तो अगर दो एलिमेंट्स का बाइनरी प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है दैट मीन्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कब होंगे जब दोनों का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पर आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि आइडेंटिटी पहले फाइंड करनी पड़ती है उसके बाद ही हम इनवर्स निकाल पाते हैं नेक्स्ट अगर अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उसे आप एक बार फिर देखिए डेफिनेशन में मैंने कहा है कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब फॉर्म करता है जब वो फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है फर्स्ट क्लोजर सेकेंड एसोसिएटिव थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कहा कि अगर दो एलिमेंट्स जी में बिलोंग करते हैं तो उनका बाइनरी ऑपरेशन अगर ए स्टार बी करे तब भी जी में बिलोंग करना चाहिए असोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा कि हम अगर ब्रैकेट्स को इंटरचेंज भी कर दे तब भी हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने कहा कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके कारण जी के दूसरे एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं हो तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसके लिए हमने कहा कि इफ़ बी स्टार ए इक्वल टू ई मतलब दो एलिमेंट्स में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आता है तो हम कहेंगे बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए तो अगर हमारी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो उस कंडीशन में हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है हैंस जी स्टार इज अ ग्रुप नाउ सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है हमारी अबिलियन ग्रुप की अबिलियन ग्रुप और कम्पिटेटिव ग्रुप लास्ट इसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसके लिए फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना ज़रूरी है और अबिलियन ग्रुप के लिए फाइव प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है तो अ ग्रुप जी इज सेट टू बी अबिलियन और कम्पिटेटिव इफ़ इन एडिशन टू फोर ग्रुप एग्जाम्स द फॉलोइंग पॉश्यूलेट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इसका मतलब है कि अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसके लिए वो फाइव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्थ फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्थ एंड फिफ्थ कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ये फोर फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ ली है फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्पिटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है ए एंड बी इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इसका मतलब है कि अगर हम इस कंडीशन में दोनों इक्वल है कम्यूटेटिव हमने पहले भी पढ़ा है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ये सारे कम्यूटेटिव होते हैं और इसमें हम कहेंगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी तो यहाँ दो डेफिनेशन आपको इस पूरे पेपर में ध्यान रखनी है फर्स्ट ग्रुप के लिए हमें फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है और अबिलियन ग्रुप के लिए हमें फाइव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है नाउ अब हम जो एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फ़र्स्ट देखिए कि ये जो हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ी है इन दोनों को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन है शो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स कैसे होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं इंक्लूडिंग जीरो दैट इज़ आपने इंटीजर्स हमेशा पढ़ा होगा कि जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर ये सारे ये सब जो हैं इंटीजर्स हैं तो हमें यहाँ क्या शो करना है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स इसका मतलब है कि अब हमारे इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आय है और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन है दैट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर होगा आई कॉमा प्लस तो इस स्ट्रक्चर को हमें बताना है इनफाइनाइट फाइनाइट अबिलियन ग्रुप तो सबसे पहले तो हम इसे अबिलियन ग्रुप बता देते हैं और उसके बाद लास्ट में हम इसे इनफाइनाइट फाइनइट अबिलियन ग्रुप बताएंगे हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि अबिलियन ग्रुप बताने के लिए हमें फाइव प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है फर्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ठीक अब प्रूफ में हम देखिए सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी करना है तो अब हम डेफिनेशन में यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लेना है हमें एडिशन पीछे हमने यहाँ पर जब डेफिनेशन uh, पढ़ी थी तब हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार था तो हमने हर एलिमेंट के बीच में स्टार लगा रखा था यहाँ पर देखिए हर एलिमेंट के बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा रखा था बट यहाँ हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि एडिशन है तो हम हर एलिमेंट के बीच में प्लस साइन लगाएंगे और एलिमेंट्स भी कौन से लेंगे जो इंटीजर्स हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स लेंगे तो फर्स्ट अबिलियन ग्रुप बताने के लिए फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए हमें दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है तो यहाँ हमने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी इस ए और बी की जगह मैं कोई इंटीजर भी ले सकती हूँ तो ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स देन अगर दो एलिमेंट्स आई में बिलोंग करते हैं तो उन दोनों में अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दूं और जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए आई में ये हमने क्लोज़र प्रॉपर्टी पढ़ी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आई तो यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो यहाँ मैंने दो इंटीजर्स लिए टू एंड माइनस थ्री ये दोनों इंटीजर्स हैं इन दोनों इंटीजर्स में मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया है एडिशन अब अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो टू प्लस ऑफ माइनस थ्री सॉल्व करने पे माइनस वन आता है तो माइनस वन इज ऑल्सो इंटीजर दैट मीन्स अगर टू और माइनस थ्री इन आई में बिलोंग करते हैं और उन दोनों में हम हम अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर्स में ही बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल तो उस कंडीशन में हम यहाँ इसे क्या कहेंगे कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज असोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ हमें तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत है तो यहाँ ए बी और सी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करते हैं और वहाँ पर भी हमारे दोनों कंडीशंस में रिजल्ट सेम आते हैं तो एग्जांपल अगर मैं रिहा लूँ तो मैंने तीन इंटीजर्स लिए हैं टू थ्री एंड फोर यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट मैंने थ्री और फोर के साथ लिया है सेकेंड में मैंने यहाँ ब्रैकेट टू और थ्री के साथ लिया है तो फर्स्ट है मेरा टू प्लस ब्राकेट थ्री प्लस फोर तो यहाँ हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा टू थ्री प्लस फोर इज सेवन दैट मीन्स टू प्लस सेवन इज नाइन सिमिलरली सेकेंड राइट हैंड साइड हम ले ब्रैकेट टू प्लस थ्री प्लस फोर ब्राकेट सोल्व करेंगे टू प्लस थ्री इज फाइव फाइव प्लस फोर इज नाइन तो अगर मैंने ऊपर यहाँ पर थ्री प्लस फोर ब्राकेट में लिया था तब भी नाइन आया यहां पर टू प्लस थ्री ब्रैकेट में लिया तब भी नाइन आया दैट इज साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए लेफ्ट में अगर हम ब्रैकेट्स को भी इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट हमारा अनचेंज ही रहता है थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने क्या कहा था कि हम ऐसे एलिमेंट को देखते हैं जिसके कारण हमारे सेट के दूसरे एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता है तो हमने यहाँ पर कहा कि द नंबर जीरो बिलोंग्स टू आई इंटीजर है ज़ीरो अब अगर मैंने एक एलिमेंट ए ले लिया ए भी इंटीजर है अगर हम ए प्लस ज़ीरो करते हैं तब भी ये आता है तो उस कंडीशन में हमारे पास ए में कोई चेंज कब नहीं आया जब उसमें ज़ीरो ऐड हुआ मान लीजिए मैंने यहाँ कोई दूसरा इंटीजर लिया होता बी तो ज़ीरो प्लस बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी दैट मीन्स अगर जीरो को मैं बी के साथ ऐड करूँगी तब भी बी रहेगा बी में कोई चेंज नहीं आएगा दैट मीन्स जीरो इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ हम एग्जाम्पल लें कि यहाँ ज़ीरो तो इंटीजर है एक इंटीजर हमने लिया सेवन if 0 प्लस सेवन इक्वल टू सेवन या सेवन प्लस जीरो इक्वल टू सेवन तो दोनों कंडीशन में हमें दिख रहा है कि सेवन में कोई चेंज कब नहीं आ रहा है जबकि उसमें 0 ऐड हो रहा है या एग्जांपल हम और लेना चाहें कि टू uh, में हम क्या ऐड करेंगे कि वापस टू आएगा तो टू प्लस जीरो इज टू थ्री में हम क्या ऐड करेंगे कि वापस थ्री होगा तो थ्री प्लस ज़ीरो इज थ्री दैट मीन्स ज़ीरो ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है तो ज़ीरो क्या होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा नाउ लास्ट कंडीशन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है कि इनवर्स क्या होता है कि आपके पास ऐसे दो एलिमेंट्स होने चाहिए जिनमें अगर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया ए जो कि इंटीजर है और दूसरा इसमें मैं क्या ऐड करूँगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आ जाएगा तो ए प्लस ऑफ माइनस ए तो इस कंडीशन में हम कहेंगे माइनस ए इज़ द इनवर्स ऑफ ए एग्जाम्पल अगर हम लें कि थ्री में हम क्या ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा दैट मीन्स माइनस थ्री तो माइनस थ्री इज़ द इनवर्स ऑफ थ्री या टू में हम क्या ऐड करें कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आएगा तो माइनस टू होगा माइनस टू प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो दैट मीन्स माइनस टू इज़ द इन्वर्स ऑफ टू तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमने चार कंडीशंस पढ़ी इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर दो एलिमेंट्स इंटीजर में बिलोंग करते हो तो उनमें अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते तब रिजल्ट भी इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये क्लोज है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्योंकि यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेकेंड असोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया तब भी हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है इसका मतलब है कि हमारा असोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने जीरो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च किया है कि जीरो ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण हमारे आई के दूसरे एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आया दैट मीन्स जीरो प्लस सेवन इक्वल टू जीरो या जीरो प्लस एट इक्वल टू एट तो जीरो ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण दूसरे एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसके लिए होता है कि हम किसी भी एलिमेंट में क्या ऐड करें कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आ जाए तो थ्री में हम माइनस थ्री एड करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ गया दैट मीन्स माइनस थ्री इज़ द इनवर्स ऑफ थ्री तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो था वो स्ट्रक्चर था आई कॉमा प्लस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमारा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में था कि हमारा सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट इंटीजर है विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और इसे हमें अबिलियन ग्रुप बताना था तो यहाँ हमने फोर प्रॉपर्टीज़ तो कर दी अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एक और बच जाती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए लास्ट में हमने पढ़ा था ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है पर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो हम कहेंगे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है अब हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं वन एंड टू तो वन एंड टू में वन प्लस टू करेंगे तब भी थ्री आएगा और टू प्लस वन करेंगे तब भी थ्री आएगा तो यहाँ पर वन प्लस टू इक्वल टू टू प्लस वन तो ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी दिख रही है सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आई कॉमा प्लस दैट मीन्स आई रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ये फाइव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इज क्लोजर सेकेंड एसोसिएटिव थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्थ एंड फिफ्थ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी तो अगर ये पाँचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है अबिलियन ग्रुप तो हमने यहाँ पर ये तो प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है बट हमें ये प्रूफ करना है कि ये इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसके लिए हमें यह पता है कि सेंस द अंडरलाइंग सेट आई इज एन इनफाइनाइट सेट तो हमारे इंटीजर्स कैसे होते हैं इनफाइनाइट होते हैं दैट मीन्स हमने इसको जो अबिलियन ग्रुप बताया है वो इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है नाउ ये जो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी है फर्स्ट ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी सेकंड हमने अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी तो पहली चीज़ हमने जो स्टार्ट किया हम एक बार रिवाइज़ करके असाइनमेंट पे आते हैं पहली चीज़ हमने पढ़ी है कि हमने सारे सिंबल्स देखे हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं ये सिंबल्स हैं हमारे जो हमें सारे पता होने चाहिए सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन हमने देखा जिसमें हमने सारे सिंबल्स लिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन यूनियन ये सारे सिंबल्स बाइनरी ऑपरेशन होते हैं फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कोई भी नॉन सेट अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन दैट मीन्स दो या वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर कंबाइन हो जाता है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब फॉर्म करता है जब वो फोर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड एसोसिएटिव थर्ड एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और नेक्स्ट हमने जो पढ़ा अबिलियन ग्रुप अबिलियन ग्रुप के लिए फाइव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी और अबिलियन ग्रुप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया इस वाले में हमारा जो स्ट्रक्चर था वो आई कॉमा प्लस था इसके लिए हमने फाइव कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा दिया और उसे हमने इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप बता दिया नाउ अब ये जो आपका असाइनमेंट है इसमें कुछ क्वेश्चन है या प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम आप जैसे हमने अभी डेफिनेशन यूज़ किए इन तीनों क्वेश्चंस को आप डेफिनेशन यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे नाउ थैंक यू